बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोजा तोड़ने वाली चीजें। नंबर वन, रमजान के महीना में रोजा की हालत में बीवी से सोहबत करना हराम है। अगर किसी ने दिन में बीवी से सोहबत कर ली तो इसे इस रोजा की कजा करनी होगी और कफारा देना होगा। कफारा यह है कि वो एक गुलाम आजाद करे। अगर गुलाम ना पाए तो 2 महीने मुसलसल रोजा रखे। अगर इसमें 2 महीने का मुसलसल रोजा रखने की ताकत नहीं तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। नंबर 2, जानबूझकर खाना या पीना। लिहाजा अगर किसी ने रोजा की हालत में भूल कर कुछ खा पी लिया तो इससे रोजा नहीं टूटता। नंबर 3, गजा बख्श और खून के इंजेक्शन लगवाना। रहे वो इंजेक्शन जो गजा बख्श नहीं, तो इसके बारे में उलामा का इख्तलाफ है। बेहतर ये है कि इख्तलाफ से बचने के लिए इस किस्म के इंजेक्शन भी रोजा इफ्तार करने के बाद लगवाए जाएं। अला ये कि दिन में इंजेक्शन लगवाना जरूरी हो जाए। नंबर 4, बेदारी की हालत में अपने अख्तियार से मनी खारिज करना, ख्वा वो मुश्त जनी के जरिए हो या बीवी से सोहबत के जरिए या बूसो किनार वगैरह के जरिए। अलबत्ता एहतलाम की सूरत में मनी निकलने से रोजा नहीं टूटता, क्योंकि इसमें आदमी का अपना कोई इख्तियार नहीं होता। नंबर 5, हैज या नफास का खून आना। चुनांचे औरत जिस लम्हा हैज या नफास का खून देख ले, इसका रोजा टूट जाता है। नंबर 6, जान बूझ कर कह करना, यानी मुंह के रास्ता से पेट के अंदर से खाना या पानी बाहर निकालना। लेकिन अगर खुद कह हो जाए तो इससे रोजा नहीं टूटता। नंबर 7, इस्लाम से मुर्तद हो जाना। अल्लाह ताला हमें और तमाम मुसलमानों को इर्तदाद से बचाए।